सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के टॉपिक को लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है और किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है और कौन कौन से इफ़ेक्ट का यूज़ करके किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में पहला पॉइंट देखेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग टॉर्क कहते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पॉइंट को देखेंगे। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द मूविंग सिस्टम दैट इज पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजिशन when the instrument is connected to the circuit। तो जब कभी भी किसी electrical instrument को circuit के साथ connect किया जाता है तो deflecting torque के द्वारा जो electrical instruments में moving system होते हैं, जिसे हम लोग pointer के नाम से जानते हैं, उस pointer को deflecting torque के द्वारा zero position से किसी भी value तक के लिए मूव कराया जाता है। किसके द्वारा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा। अब हम लोग इसके आगे तीसरे पॉइंट को देखेंगे। द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट, अमीटर एंड वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, अमीटर एंड वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर एंड वाट आवर मीटर। थर्मल इफेक्ट, अमीटर एंड वोल्टमीटर। केमिकल इफेक्ट, एम्पियर आवर, डीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, वोल्टमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ अमीटर और वोल्टमीटर के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट का यूज़ अमीटर और वोल्टमीटर के लिए ही किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ अमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर एंड वाट आवर मीटर के लिए किया जाता है। थर्मल इफेक्ट का यूज़ अमीटर और वोल्ट मीटर के लिए किया जाता है। केमिकल इफेक्ट का यूज़ एम्पियर आवर मीटर के लिए किया जाता है, जो कि डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का यूज़ वोल्ट मीटर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और समझा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार से कौन से इफेक्ट का यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।